तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम हितेश वर्मा है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फॉर्च्यून जेंसन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिल्डर फ्लोर के साथ एक मिक्स ऑप्शन लेके आया हूँ। लाइक आपको बिल्डर फ्लोर के साथ प्रॉपर आपको स्पेस मिलता है बेसमेंट का, जिसमें आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर सकते हैं। लाइक अगर आप कुछ ऐसा ऑप्शन देख रहे थे कि रेजिडेंस के साथ कुछ नीचे आपको बेसमेंट में कुछ आपका सेटअप बनाना है, लाइक ऑफिस स्पेस बनाना है या कोई इंस्टीट्यूट रन करना है, या अगर आप डॉक्टर हैं तो कोई क्लिनिक सेटअप लगाना है, तो वी हैव दिस वेरी गुड ऑप्शन। दिस वेरी प्राइम लोकेशन DLF Phase 1, और इसमें आपको एक लग्जरी बिल्डर फ्लोर जो कि 360 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है, 4 बेडरूम, और आपको ये प्रॉपर्टी अलोंग विद बेसमेंट मिलने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इसी तरह की है और आप कुछ ऐसा ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। ऑन वेरी प्राइम लोकेशन DLF Phase 1, जो कि गोल्फ कोर्स के बिल्कुल 2 मिनट के साथ कनेक्टेड हो जाती है। बेसमेंट काफी बढ़िया है, वेंटिलेशन का काफी अच्छा ध्यान रखा गया है, और फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है। 4 बेडरूम है, लग्जरी 4 बेडरूम जो कि अलोंग विद बेसमेंट है 360 स्क्वायर यार्ड के। तो चलिए एक बार प्रॉपर्टी को एक बार देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स पसंद आए प्रॉपर्टी तो मुझे देगे नंबर पर कॉल कर सकते हैं विजिट के लिए। इसके अलावा मिलती जुलती आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, कम बजट की, ज्यादा बजट की, कोई और लोकेशन में, तो आप मुझे चैट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको व्हाट्सएप चैट बॉक्स के लिंक मिल जाएंगे, तो उसमें आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट सेंड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स चलिए अब जल्दी से चलते हैं फ्लोर पे, पूरे फ्लोर को एक बार देखते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो की शुरुआत करते हैं अपनी पार्किंग एरिया से। पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया का पार्किंग आपको मिलती है, लॉन्ग है, नीचे टाइल पैटर्न है और पूरी वॉल पे टाइल वर्क है। और बैक साइड में आप देखेंगे तो आपके सारे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। और दिस इज द एंट्री फॉर द लिफ्ट लॉबी, तो एक सेपरेट वेटिंग एरिया और लॉबी है। और हेयर वी हैव द लिफ्ट जो कि बेसमेंट तक जाती है नीचे, और ये हमारी लिफ्ट आ गई जो कि हमारे स्टेयरकेस और लिफ्ट दोनों ही ऑप्शन हमें बेसमेंट में एंट्रेंस के लिए मिलते हैं। और हेयर वी हैव द एंट्री टू द ह्यूज बेसमेंट। तो फ्रेंड्स ये जो बेसमेंट है 360 यार्ड में है, काफ़ी वाइड और ओपन है, इसको अपने हिसाब से हम मॉडिफाई कर सकते हैं सेपरेशन पार्ट्स लगा के। और ऊपर फॉल सीलिंग का बढ़िया सा काम है, काफ़ी इनफ स्पेस है। आप देखें यहाँ पे किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन और एज ए डॉक्टर क्लिनिक और कोई भी आप कोचिंग सेंटर या फिर आप कोई ऑफिस स्पेस बनाना चाहें, तो दिस इज़ वेरी बिग स्पेस जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और पूरा वेंटिलेशन आप देखेंगे तो दिस एंटायर एरिया, जस्ट हैव अ लुक इट, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी जो वेंटिलेशन है वो इस एरिया से आपको बहुत बढ़िया वेंटिलेशन मिलेगी। और ऊपर मैं दिखाऊं तो सिक्योर्ड जाल है जो ओपन टू स्काई है, तो आपको प्रॉपर एयर और वेंटिलेशन इसमें मिलता रहेगा। और इस साइड आपको एक वॉशरूम मिलता है फ्रेंड्स, चलिए वॉशरूम दिखा देता हूँ। सो हेयर वी हैव डिसेंट साइज ऑफ वॉशरूम, पूरा टाइलिंग वर्क है, अभी आगे शीट्स वगैरह कुछ थोड़ा सा काम बाकी है। साथ में ही फ्रेंड्स आपको इसमें एक पेंट्री मिलती है, चलिए पेंट्री का साइज़ भी देख लेते हैं। सो दिस इज़ द डिसेंट साइज फॉर ऑफिस पर्पज। सो दिस इज द एंटायर बेसमेंट अलॉन्ग विद 4 BHK लग्जरी बिल्ड फ्लोर। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से अब अपना 4 बेडरूम जो फ्लोर है जिसके साथ बेसमेंट मिलने वाली है ये भी देख लेते हैं। हियर वी हैव द लिफ्ट पैनल, और लिफ्ट में भी ग्रे पूरा टाइलिंग वर्क है, दिस ग्रे टाइल विद ग्लॉसी एंड शैंडलियर लिफ्ट है आपकी। और हियर वी हैव द हाइलाइटेड वॉल जो कि एंट्रेंस के बिल्कुल साथ में है, तो चलिए एंटर करते हैं फ्लोर में। सो दिस इज द ब्यूटीफुल लेआउट एंड ब्यूटीफुल 4 BHK इन 360 स्क्वायर यार्ड अलॉन्ग विद द बेसमेंट, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मेड एंट्रेंस शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हमें डोर मिल रहा है, दिस हाई ग्लॉसी फैक्ट्री मेड है, दिस प्रीमियम वुड एंड दिस प्रीमियम हैंडल्स, तो ये हमारा एंट्रेंस गेट आ जाता है। और गेट के बिल्कुल साथ में वी हैव दिस किचन, हियर वी हैव द सेपरेट ड्राइंग एरिया जो कि काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे एक बेडरूम आ जाता है फ्रेंड्स, ये हमारा डाइनिंग एरिया, और ये लॉबी जो जा रही है कनेक्ट करती है हमें 3 बेडरूम के साथ। तो 2 बेडरूम बैक साइड में है और एक हमारा अटैच वॉशरूम के साथ लेफ्ट हैंड साइड में एक वॉशरूम है। तो फ्रेंड्स फ्लोरिंग की बात करें तो प्रीमियम इटालियन फ्लोरिंग पूरे घर में आपको मिलने वाली है,
इंक्लूड द किचन ड्राइंग एवरी बेडरूम्स के अंदर। तो प्रीमियम बर्बरी बेज है और ये आपका सेपरेट ड्राइंग एरिया है। सभी बेडरूम्स ड्राइंग रूम्स में आपको एसी मिलने वाले हैं, इनबिल्ट एसी, इंक्लूड द किचन। सो दैट साइज यू कैन सी दैट इज़ द डेडिकेट डाइनिंग एरिया, तो वहाँ पे भी आपको एक एसी मिल रहा है और मेन हाईलाइटेड है। तो चलिए फ्रेंड्स अब किचन में चलते हैं। किचन आपकी सेपरेट है, इसमें एक डोर लगा हुआ है जो पूरा सेपरेट कर देता है किचन का पार्ट। और यहाँ से आप देखें किचन इज़ वेरी लॉन्ग, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड वी हैव द ह्यूज स्टोरेज, काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। आप देखें पूरा फ्लोरिंग है और बालकनी के साथ अटैच है। और यहाँ से आप देखेंगे पूरा बढ़िया वेंटिलेशन है, आपको इनबिल्ट आपको कैफ की चिमनी और हॉब्स मिलते हैं और सॉफ्ट क्लोजेस के साथ आपको काफ़ी बढ़िया स्टोरेज मिलती है बोथ द साइड। यहाँ पे आपके फ्रूट बास्केट्स एंड ओटीजी ओवन ये भी आपको इनबिल्ट ही मिलते हैं, एसी आपको मिलता है इसमें। यहाँ पे आपको ग्लास स्टोरेज है, साथ में पेंट्री है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे पेंट्री का अच्छा साइज है, काफ़ी बढ़िया स्टोरेज। और यहाँ पे भी आप देखेंगे दिस ऑल द एंटायर लाइट रोज वुड कलर के साथ इसको थीम दी गई है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। जैसे कि मैंने बताया इसमें आपको एक सेपरेट डोर मिलता है जो कि किचन के टेम्परेचर को एसी लगा हुआ है तो टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है इसमें। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ट्राइंग एंड डाइनिंग एरिया मिलता है, ये आप देख रहे हैं दिस एरिया दिस पर्टिकुलर डाइनिंग एरिया आपका। और चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं बेडरूम नंबर फर्स्ट में जो कि हमारे ड्राइंग रूम के साथ अटैच है। तो साइज आप देखेंगे काफ़ी बड़ा साइज है, दिस मास्टर बेडरूम यू कैन क्रिएट। अगर आपको फ्रंट बालकनी का व्यू लेना है तो आप इस बेडरूम को मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। काफ़ी बड़ा टीवी पैनल है और ऊपर यहाँ पे वुडन के साथ प्रोफाइल लाइट का यूज़ हुआ है, तो सिटिंग एरिया आप एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स क्वालिटी वर्क आपको दिख जाएगा, ये आप चैनल्स आप देखेंगे दिस इज ऑल प्रीमियम एल्युमिनियम चैनल्स और जिसकी लाइफ टाइम वारंटी रहती है। फ्रेंड्स ये हमारी फ्रंट का व्यू है बालकनी से, दिस इज फ्रंट बालकनी जो कि ऑलमोस्ट आपको 5 फीट वाइड मिलती है, बहुत बढ़िया रनिंग बालकनी है। और जस्ट हैव अ लुक द व्यू। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपको इसका जो वॉशरूम है वो भी दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ आप देखेंगे दिस इज द मिरर जो कि लाइटिंग मिरर दिया हुआ है पूरा फुल साइज, तो ड्रेसिंग के लिए आपको काफ़ी बढ़िया हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड बोथ द साइड वी हैव द स्टोरेज लेफ्ट एंड राइट बोथ द साइड अप टू बॉटम पूरा लॉन्ग स्टोरेज। हियर वी हैव द अटैच वॉशरूम शार्बिक्यू एग्जॉस्ट और दिस स्टाइल पैटर्न आर वेरी गुड, द लाइटर कलर विद ग्रे और ग्रूव बड़ा अच्छा है, प्रीमियम लुक आ रहा है। हियर वी हैव आव कूलर ऑल द फिटिंग्स टैप्स एंड हैव अ लुक इट दिस इज आर वैनिटी। सो फ्रेंड्स जो भी आपको इसमें फिटिंग फिक्चर्स दिख रहे हैं ऑल आर द प्रीमियम ब्रांडेड। तो चलिए तो फ्रेंड्स ये डाइनिंग एरिया से निकल के अब हम चलने वाले हैं तीनों बेडरूम्स को एक बार नज़र करने, तो हैव अ लुक इट। यहाँ मेन एंट्रेंस पे आपको गोदरेज के ऑडियो वीडियो डोर भी मिलते हैं और आपको सॉफ्ट स्विचेस भी मिलते हैं सभी बेडरूम्स में और सभी जगह पे। ये पैटर्न देखें जस्ट हैव अ लुक इट। नाउ फ्रेंड्स लेट मी टेक यू इन द कॉमन वॉशरूम जो कि कॉमन और अटैच वॉशरूम कह सकते हैं आप, दिस इज द वॉशरूम जिसपे गुड स्पेस है और शार का भी इसमें अरेंजमेंट है, शार भी ऑलरेडी देयर। और नीचे आप स्टोरेज देखेंगे दिस बिग स्टोरेज इज देयर बट टाइल्स आर लिटिल डार्कर कॉम्बिनेशन विद ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स। और यहाँ से अब हम चलने वाले हैं थर्ड बेडरूम देखने फ्रेंड्स, दिस इज बेसिकली सेकेंड बेडरूम जो कि अटैच है इस वॉशरूम के साथ। जैसा मैंने बताया कि आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको आप कॉमन एरिया से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक डिसेंट साइज़ में आपको बेडरूम मिलता है फ्रेंड्स, जिसमें वेंटिलेशन के लिए आपको ये सॉफ्ट एरिया कनेक्ट मिलता है और नीचे आप प्लांटेशन कर सकते हैं, तो ब्यूटीफुल ग्रीन व्यू के साथ बढ़िया वेंटिलेशन। और साइज़ आप देखें हियर वी हैव द स्टोरेज
एसी इनबिल्ट है, फैन लगे हुए हैं और नॉर्मल साइज से बड़ा साइज है इस बेडरूम का, जो कि अक्सर एक बेडरूम छोटा मिलता है। तो सारी इटालियन मार्बल के साथ बढ़िया फील, बढ़िया लुक के साथ ये हमारा बेडरूम है। और बैक साइड में वी हैव टू बेडरूम्स जो कि काफ़ी बड़े हैं, इसको भी आप एज ए मास्टर रूम, मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। तो हेयर वी हैव द वॉल पैटर्न वर्क जो कि बेड के बैक साइड में आने वाला है, और फैंसी लाइट दिए हैं कुछ इसमें, जो कि आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको चेंज करें। फ्रेंड्स काफ़ी ओपन एरियाज के अंदर सामने ही आपको ना एक मिरर दिखता है, दिस इज़ फॉर ड्रेसिंग पर्पज, तो इट इज़ टोटली अप टू यू। और यहाँ आपको पूरा टीवी पैनल मिलता है विद कैबिनेट, और ये हमारी बेड जो आएगा उसकी बैक वॉल है, इस पर आप बड़ी सी पेंटिंग लगा सकते हैं। और मिरर काफ़ी अच्छा है, ड्रेसिंग है, ऊपर आपको एसी मिलते हैं। यहाँ आपको वेंटिलेशन के लिए, व्यूज़ के लिए इस साइड आपको स्लाइड डोर और यहाँ पे स्लाइडिंग आ जाती है आपकी, और यहाँ फिक्स मिल जाता है फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द अटैच वॉशरूम, जैसे कि मैंने बताया स्टोरेज काफ़ी बढ़िया है, ऑल द साइज आप देखें तो ऑलमोस्ट 4 and 6, द 6 डोर आपको फुल लेंथ वार्डरोब मिलते हैं। एंड दिस इज़ द अटैच वॉशरूम, तो वॉशरूम का साइज इसमें भी ठीक ठाक है। और बाहर आपको इस तरफ कुछ स्टोरेज कैबिनेट भी मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चल के देख लेते हैं एक बार पैक बालकनी, और फिर हम चलेंगे अपने फोर्थ लास्ट बेडरूम में। तो बालकनी आप देखिए ऑलमोस्ट 10 फीट वाइड हो चुकी है, क्योंकि पीछे एक्सटेंशन सिक्योरिटी जाल से इसको कवर किया गया है। काफ़ी बढ़िया आपका यूटिलिटी एरिया निकल के आता है, जो कि दोनों ही बेडरूम के साथ अटैच बालकनी हो जाती है। दिस इज द वन, ऑल सिक्योर्ड एंड गुड वेंटिलेशन, बहुत बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पे। आपको एक टैप इस तरफ मिलती है और एक टैप आपको सामने में मिलती है। और अब हम चल के देख लेते हैं अपना फोर्थ बेडरूम। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए थोड़ा सा प्लेन और सोबर रखा गया है, इसमें आप किड्स रूम बनाना चाहें तो किड्स की थीम दें, और कोई और रूम बनाना चाहें या जैसे भी आप यूटिलाइज करना चाहें, गेस्ट रूम बनाना चाहें, उसको अपने हिसाब से इस बेडरूम को थीम दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से इसके वॉक इन क्लोजेट और वॉशरूम पर नजर डालते हैं। तो फुल लेंथ वी हैव वॉक इन क्लोजेट एंड अटैच दिस वॉशरूम, जिसमें डार्क और लाइट ब्राउन कलर हैं, सभी फिटिंग एंड फिक्चर सारे ब्रांडेड हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज द फ्लोर अलॉन्ग विद द बेसमेंट ऑफ 360 यार्ड फोर बेडरूम।